दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके देखेगा जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो चैप्टर चल रहा था उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में मैंने आपको पता है अभी तक 9 वीडियोज आपको प्रोवाइड कराए हैं। आज 10वें नंबर का वीडियो को अपन जिक्र करेंगे जो कि आपके यहाँ पर 10वें नंबर का वीडियो रहेगा, जिसमें अपन पढ़ेंगे यहाँ पर पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ और अणु परमाणु, इन सभी को वन बाई वन करके पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेरे को पढ़ाना था विद्युत धारा। क्या पढ़ाना था? विद्युत धारा। अब आप अच्छी तरह से हो अंततः में विद्युत धारा पहुंचूंगा तो I बराबर क्या होता है? क्यू बटे टी। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। इसको बताने के लिए मेरे को कुछ चीजें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिएगा क्या होता है कि मैंने चालक तार पढ़ाया था। वो क्या पढ़ाया था? चालक, क्योंकि उसमें मेरे को पता है कि आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब चालक तार जब मेरे को प्राप्त हो गया तो मैं परिपथ बना दिया था, आपको ध्यान होगा। और परिपथ का मतलब होता सर्किट, और सर्किट क्या होता है? देखिएगा विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए एक सर्किट माध्यम परिपथ चाहिए था, तो वो बना दिया मैंने। अब इसके बाद मेरे को तीसरी स्टेप चाहिए कि विद्युत धारा का प्रवाह तो करा रहा हूं, लेकिन किस कारण से हो रहा है? क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह अपन कहते हैं कि परिभाषा क्या बनती है विद्युत धारा की? किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर, किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अब जब विद्युत धारा का अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर बात है, किसकी बात है? और इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर आप अच्छी तरह से जान सकते हो। यहां पर अगर बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो बहेंगे इसके बहने की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। तो मेरे को सबसे पहले ये तो पता चले कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है, प्रोटॉन होता क्या है, न्यूट्रॉन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता, तो इन सबके बारे में फिर अपन को जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएगा तब मैं विद्युत धारा पर पहुंच सकता हूं। इससे पहले आपको कुछ चीजें पढ़नी ही पड़ेगी, अतः अपन इसी क्रम में आज अपन पढ़ेंगे यहां पर। देखिएगा मैटर, क्या मैटर अगर बात करते हैं तो मैटर का मतलब होता है यहाँ पदार्थ। क्या होता है? मैटर की अगर बात की जाए दोस्त तो मैटर का मतलब होता है यहाँ पदार्थ। और पदार्थ की अगर बात करते हैं तो देखिएगा एक एक चीज को पढ़ना है आपको कि पदार्थ किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा बनती है, डेफिनेशन बनती है। क्या? देखिएगा यहां पर अगर बात करता हूं, जिसका निश्चित भार हो, जिसका निश्चित भार हो, पदार्थ किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? जिसका निश्चित क्या हो? भार हो। तो भार निश्चित हो, इसका मतलब यह समझ सकते हो आप कि क्या हो? जिसका निश्चित भार हो, क्या हो? निश्चित भार। तो उस केसेस को अपन बोल सकते हैं यहां पर पदार्थ। जिसका निश्चित भार हो उसको अपन बोल सकते हैं यहां पर पदार्थ। और पदार्थ की अगर जिक्र की जाए तो यहां इसका निश्चित भार रहेगा। और एक और चीज है, ये स्थान घेरता हो। क्या घेरता हो? दूसरी और चीज है, यहां पर स्थान घेरता हो, तो यहां बात समझ सकते हो, तो घेरता हो, तो यहां स्थान घेरने वाला या फिर जिसका निश्चित भार, तो कोई भी प्रकृति का पदार्थ तत्व ले लीजिएगा या किसी को भी ले लीजिएगा, इसका क्या होगा? निश्चित भार होगा और क्या? स्थान घेरता होगा, तो उसे कहते हैं अपन यहां पर पदार्थ। और पदार्थ की अगर बात करते हैं तो पदार्थ में अपने बहुत सारे होते हैं। देखिएगा मूलत अगर बात वर्ड आ जाता आपका मूल रूप से, तो मूलत अगर बात करते हैं तो मूलत जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। लेकिन वैसे अगर बात करते हैं तो कितने होते हैं अपने पास में? पांच। कितने होते हैं वैसे अगर बात करते हैं तो कितने होते हैं अपने पास में? पांच। यहां मैं तीन का जिक्र कर रहा हूं, यहां पांच का, आप समझ सकते हो। तो मूलत अगर वर्ड आए तो आप आंसर में क्लिक करोगे तीन, और वैसे कितने प्रकार के होते हैं? पांच। इनको अपन विस्तार से समझते हैं एक एक चीज। तो पहला ऑप्शन आपने देख ही लिया कि पदार्थ किसे कहते हैं, स्थान घेरता हो और निश्चित भार हो इसे पदार्थ कहते हैं। मूलत तीन प्रकार के, वैसे पांच प्रकार के। देखिएगा सबके बारे में बात करेंगे, ठोस है, द्रव है, गैस है, मूलत है। इसके बाद में एक आता है प्लाज्मा, जो कि आपका चौथी अवस्था पदार्थ की। एक और आता बेक, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये आपका पांचवी अवस्था है जिसके बारे में बात करते हैं। मैं मूलतः सबके बारे में बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मूल रूप से अपन जिक्र करते हैं जिन जिनका उसी पर अपन पहले जिक्र करना चाहेंगे। तो ये कंडीशन में आपके देखेगा यहाँ कुछ चीजें बना रहा हूं, जैसे सीरियल नंबर ले लिया अपन ने यहाँ पर, और सीरियल नंबर के बाद इसी के बाद यहाँ पर कौन कौन से पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की बात करते हैं, तो वो ले लेते हैं। और देखिएगा इस क्रम में आपको देखना एक सारणी बनाता हूं। देखिए ध्यान से,
यहाँ पर एक सारणी बनाता हूँ, और सारणी में देखना आपको यहाँ जो है अपन यहाँ पदार्थ की जो भी कंडीशंस रहेगी, कौन कौन से चित तत्व पाए जाते हैं उसमें, तत्व के बारे में बात करेंगे। यहाँ होता है आपके सामने ठोस, क्या होता है ठोस, और यहाँ इसके बाद में क्या आता है द्रव, इसके बाद में क्या आता है आपके पास में गैस, क्या आता है गैस। ये आपके पदार्थ ठोस है, द्रव है और गैस है, यहाँ इन तीनों का अपन जिक्र कर रहे हैं विस्तार से। तो ध्यान से ध्यान देने की बात है कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सीरियल नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ आ जाता है, और इनके लिए जो आवश्यक तत्व है क्या है, आवश्यक तत्व। देखिए पदार्थ की जो भी कंडीशन होती है उनमें देखना है कि कैसे कैसे क्या क्या कंडीशन आपके सामने होगी। तो पहली स्टेप आप देख सकते हो, आवश्यक तत्वों में अगर बात करते हैं तो क्या क्या कंडीशंस होगी, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। मैं अगर बात बताना चाहता हूं तो यहाँ पर आकार की सबसे पहले बात आता, तो आकार अगर बात करता हूं किसकी, आकार की, तो यहां पर देखिएगा आकार किसका, आकार ठोस का आकार क्या होता है निश्चित, क्या होता है दोस्तों ठोस का आकार क्या होता है निश्चित, क्या होता है निश्चित। और अगर बात करते हैं द्रव का और गैस का, तो यहाँ आकार द्रव, द्रव मतलब जैसे पानी मान लो, ठोस में तो कोई भी मान लीजिएगा आप जो भी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, तो लोहा है, चांदी है, तांबा है, सोना है, पीतल है, टंगस्टन है, या तो कोई भी मान लीजिएगा जो जिसका क्या होता है भार क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा ठोस का आकार की अगर बात करते हैं, पहले किसकी बात करें आकार है ना, फिर यहाँ पर बात करते हैं आकार के बाद आयतन, क्या दो चीज आती है। अब आकार इसका क्या होता निश्चित होता, क्या होता, लेकिन द्रव की अगर बात करता हूं तो इसको आकार निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पानी को जहां डालोगे, पानी को जहाँ डालोगे वैसा आकार लेता है। मान लिया आपने लोटा में डाला तो लोटे में नीचे गिराया तो पूरा फैल जाता है। तो ऐसे कोई भी आकार में जिसमें डालोगे तो यहाँ पर द्रव का आकार क्या क्या होता है अनिश्चित, क्या होता अनिश्चित। देखिएगा अंतर आपको देखना है, यहाँ पर अनिश्चित होता है। अगर इसी क्रम में बात करता हूँ तो गैस तो आपके पूरे वायुमंडल में फैली रहती है, तो आप जानते हो जैसे वायुमंडल आपको पता है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और CO2 है, कि नहीं। अब 78% है आपके, 21% 0.3% है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो कंडीशन है आपके, यहाँ पर देख सकते हो कि कैसी स्टेप आपके साथ होगी। तो यहाँ ठोस द्रव गैस इसका भी क्या होगा अनिश्चित, क्या होगा अनिश्चित। तो यहाँ आप क्लियर कर सकते हो अनिश्चित होता, क्या होता अनिश्चित। तो यहाँ देखिएगा आकार का अगर जिक्र आपसे आ जाए ही एग्जाम में तो क्या होता है, तो आप बताओगे आकार। यहाँ देखिएगा ठोस का निश्चित, द्रव का अनिश्चित और गैस का अनिश्चित। आकार के बाद दूसरा आता है यहाँ पर आयतन, क्या होता आयतन। अगर आयतन की बात करता हूं तो आयतन कौन कौन सा होगा, जैसे ठोस का आयतन क्या होता है निश्चित, क्या होता। तो इसका मतलब आकार भी निश्चित इसका और आयतन भी निश्चित। यहां देखिएगा आकार भी निश्चित तो आयतन भी निश्चित, इसका जितना आयतन है उतना ही रहेगा। तो आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं किसके, सॉलिड के। ठोस और द्रव की बात बताऊं तो लिक्विड कंडीशन अगर बात करते हैं तो यहाँ पर द्रव का देखिएगा अगर बात करते हैं तो आयतन तो क्या होता है इसका निश्चित होता है, क्या होता आयतन क्या होता है निश्चित होता है। जबकि अगर बात करता हूं इसी क्रम में गैस के, तो गैस का आकार और आयतन दोनों के दोनों क्या होते हैं अनिश्चित, क्या होते हैं अनिश्चित। देखिएगा यहाँ जो दोनों कंडीशन, यहाँ दोनों में अनिश्चित है निश्चित है, यहाँ दोनों में क्या है निश्चित निश्चित है, एक केवल द्रव को छोड़ दे। तो इसके बाद आती है ठोस द्रव गैस में ही, यहाँ आता है अंतर, देखना अंतर आणविक, देखिएगा अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल। देखिएगा यहाँ पर देखिए बता अंतर आणविक की बात करते हैं तो आणविक आकर्षण बल की बात कर रहा हूं मैं, आकर्षण बल जिसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ दो अणुओं के मध्य लगना वाला जो बल है वो क्या कहलाता है अंतर आणविक आकर्षण बल, और दो अणुओं के मध्य सर्वाधिक होता है ठोस में, किसमें होता है तो ठोस में क्या होगा अंतर आणविक सबसे अधिक अर्थात सर्वाधिक, और सर्वाधिक जो होगा वो किसमें होगा ठोस में। लेकिन अगर सबसे कम होगा तो किसमें होगा, सबसे कम होगा तो किस में होगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हो गैस में, तभी तो इसके कण दूर दूर होते हैं यही। और मध्यम अर्थात यूं कह सकते हो कि ठोस से तो क्या होगा कम, और इससे क्या होगा गैस से ज्यादा होगा, तो मध्यम कंडीशन में आपका द्रव आता है। तो यहाँ आप देख सकते हो इन तीनों को, ये देखिएगा पदार्थ की तीन अवस्थाएं थी जो मूलतः थी, किसका जिक्र किया था अपने मूलतः, और मूलतः तीन अवस्थाएं पदार्थ की होती है जिसका जिक्र अपने यहाँ पर किया था।
अब आप देख सकते हो इसमें सिक्यूशन आ जाए तो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि मूलतः कितनी है, तो तीन, ठोस है, द्रव है, गैस है, और ये तीन कंडीशन होगी। अब चौथी कंडीशन का अगर जिक्र करते हैं तो चौथी कौन सी होगी, इस चीज़ को क्लियर करना होगा। फोर्थ नंबर की कौन सी होगी, इस चीज़ को क्लियर करना होगा। तो यहाँ पर इस नौवें वीडियो में आपको यही क्लियर करने वाला हूँ कि पदार्थ के अपन लास्ट में जो पहुँचेंगे इलेक्ट्रॉन तक पहुँचना, अंत में लक्ष्य क्या है अपना, इलेक्ट्रॉन तक, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह कराना। लेकिन अपन को मैं आपको जनरल नॉलेज के तौर पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो अवस्था एक और होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? तो आपके कई बार क्वेश्चन में आता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था। तो आपके यहाँ पर बात करते हैं, ये एक सामने लिखा हुआ चौथी अवस्था का अगर जिक्र करते हैं तो पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब ये उच्च ताप पर, किस पर, यहाँ पर बात करते हैं तो उच्च ताप और उच्च दाब पर ही, उच्च ताप और उच्च, यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उच्च ताप और उच्च दाब पर, मतलब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है, मतलब संभव है। तो ये अवस्था उच्च दाब और उच्च ताप पर ही संभव है। जैसे आप समझ सकते हो यहाँ पर अपने रक्त की अगर बात करते हैं तो रक्त का जो तरल वाला भाग होता है ना, उसमें 55, यहाँ पर बात कर रक्त में देखेगा WBC, RBC और प्लेटलेट्स होता है। एक तो रक्त कणिकाएं होती है जो कि तीन प्रकार की होती है, एक होता है प्लाज्मा, यहाँ पर देखिए प्लाज्मा, और प्लाज्मा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो होता है आपका प्लाज्मा जो है, यहाँ रक्त में कितने प्रतिशत होता है, 55% भाग, कितना, 55% भाग, 45 होता है अपना यहाँ पर रक्त कणिकाएं जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आप जानते हो रक्त तो ऑलरेडी उच्चताप और उच्च दाब होता है, रक्त में उच्चताप और उच्च दाब कैसे होता है, देखिएगा मानव शरीर है तो इसका रक्त होता है 90, जिसका टेम्परेचर होता है कितना, 98.6 डिग्री फॉरनाइट में। अगर बात करते तो टेम्परेचर भी हाई है, और अगर बात करें प्रेशर, पता है प्रेशर अगर दाब करते हैं तो आप जानते हो रक्त का ही प्रेशर अगर काउंट किया जाए तो आपको बताता हूँ 120/80, यहाँ पर सिस्टोल और डायस्टोल जिसका जिक्र कर रहा हूँ तो MMHg, जो कि होता है ब्लड प्रेशर होता है, रक्त दाब, क्या होता है, रक्त दाब। तो यहाँ इसका मतलब उच्च ताप और उच्च दाब हो गया। इसके अलावा रक्त के अलावा सूर्य में भी इसका यूज करते हैं, तो सूर्य जो चमकीला दिखाई देता है, चमकीला, तो अधिक चमकीला दिखाई देने का कारण देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं तो चमकीला जो दिखाई देता सूर्य, वो चमकीला क्यों दिखाई देता इसकी बात करते हैं, तो ये किसके कारण, यहाँ प्लाज्मा के कारण। तो क्यों, क्योंकि सूर्य में जो चमकीला दिखाई देने की वजह है वो है प्लाज्मा। कौन सी है, प्लाज्मा। अब यहाँ पर देखिए उच्च ताप उच्च दाब पर संभव है, रक्त में 55% भाग है और सूर्य चमकीला दिखाई देता है किसके कारण, क्योंकि सूर्य का ताप भी उच्च है, क्या है, और मैंने अभी बोला था आपसे कि उच्च ताप और उच्च दाब पर ही संभव है, मतलब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर क्या है, प्लाज्मा संभव है। तो ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था। अगर पांच की अवस्था का जिक्र किया जाए, किसकी, पांचवी अवस्था का जिक्र किया जाए, तो ये आपके पास में आता है बैक, क्या था, शॉर्ट में अगर आता तो बैक। तो यहाँ पर इसका बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं तो बोस, इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर बोस आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, देखिएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडन कंडेंसेट, देखिएगा देखिएगा कंडेंसेट, यहां पर बात करते हैं कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसका जिक्र करते हैं, तो ये आपके सामने जो है पांचवी अवस्था है। पांचवी अवस्था का बात करते हैं तो ये अति निम्न ताप पर संभव है, मतलब लो टेम्परेचर पर, यहाँ पर ये अति निम्न ताप पर संभव है। तो आपसे कहा जाए कि अति निम्न ताप पर जो संभव है वो कौन सी अवस्था, यहाँ पर पांचवी अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यहाँ पर बात करते हैं तो ये अति निम्न ताप पर संभव है। जैसे कि आप इसका यूज भी अगर करोगे तो कहाँ करोगे, जहां पर अति निम्न ताप होगा, जैसे अपन बात कर सकते हैं क्रायोजेनिक इंजनों में, किस में प्रयोग करते हैं इसका, क्रायोजेनिक इंजनों में, है ना, क्रायोजेनिक इंजन जानते होंगे तब, है ना, आप जानते हो, नहीं जानते, मैं बताऊं, क्रायोजेनिक का मतलब होता है जैसे अपने जेट विमान के इंजन होते हैं तो उनको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, आप जानते हो। तो ये सारे के सारे क्रायोजेनिक इंजनों में इसका यूज किया जाता है, ये जो चौथी पांचवी अवस्था है। अतः मूलतः तो अपने तीन थी जिनका जिक्र ऊपर किया है, लेकिन दो एक्स्ट्रा का भी मैंने यहाँ पर बताया है जो कि आपके सिर्फ साइंस में आ सकती है, टेक्निकल में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैंने बता दी है क्योंकि पदार्थ की अवस्थाओं से आगे बढ़ पाएंगे अपन, बाकी तो नहीं बढ़ पाते। अतः यहाँ से ही अपन बात करते हैं तो पदार्थ क्या होता है, इनकी अवस्थाएं क्या होती है, इसके आधार पर मैंने आपको यहां पर बताया। अब पदार्थ की बात करते हैं तो इसके बाद अपन पहुंचेंगे सीधा सीधा अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
और नाभिक, देखिएगा यहाँ पर, और लास्ट में मैं यहाँ पर अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपके लास्ट में जो है नाभिक को पढ़ते हुए उनके चक्कर लगा देंगे इलेक्ट्रॉनों को, और विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। ये चीज मैं विस्तार से आपको इसी क्रम में बताने जा रहा हूँ, तो देखते रहिएगा। आगे चलते हैं अपन कहाँ पर, देखिएगा प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर। देखिए बंद कर दो उसको, काट देना उसको बीच में से। दोस्तों अब तत्व की बात करते हैं, तो तत्व क्या होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पर एलिमेंट, क्या बोलते हैं एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, तो एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। सबसे पहले तत्व की परिभाषा क्या होती है, देखिएगा यहाँ समान, समान अणुओं से, समान परमाणुओं से, समान परमाणुओं से, समान परमाणुओं से, समान परमाणुओं से, या फिर ये बोल सकते हैं इसको एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से, परमाणुओं से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं आपके, तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के यहाँ समान परमाणुओं से या एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कितने तत्व है यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मतलब सब ये है, लोहा है, हीलियम है, लिथियम, ये सारे के सारे जितने भी हो तत्व है। तो अर्थात यूँ कह सकते हैं कुल तत्वों की संख्या अगर बात करते हैं तो वो है 118। कितने की है, 118। कुल तत्वों की बात करते हैं तो 118। और यहाँ पर नेचुरल अगर बात करते हैं प्राकृतिक रूप से अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक कितने हैं यहाँ पर, और ये है आपके 92। और कृत्रिम कितने हैं, तो ये आपको देखना है, कृत्रिम आपके 26। टोटल कितने हैं, तो 180। मतलब यहाँ 118 कुल है, और 118 के बाद अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक 92 है और कृत्रिम 26 है, मतलब 26 है। तो यहाँ एलिमेंट की बात करते हैं तत्व, तो समान परमाणु या एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ये है आपके तत्व जिनकी बात करें। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो सभी गैसें, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हीलियम ले लो, लिथियम ले लो, एफी ले लो, लोहा भी आपके तत्व है ना, देखिए एल्यूमिनियम ले लो, मतलब जो भी है आपके सभी तत्व। और भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा एल्यूमिनियम की पाई जाती है, किसकी पाई जाती है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन की पाई जाती है, किसमें। अब धातु और अधातु तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु तत्व में एल्यूमिनियम की, अधातु तत्व में ऑक्सीजन की पाई जाती है। कर ये आपके केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा ना पढ़ाते हुए बेसिकली लेते हुए आपको आगे बढ़ना चाहता हूँ, जहाँ अपन चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपन को मिल जाए तो अपन विद्युत धारा का प्रवाह कराने लगेंगे। यही चीज है जिनके आधार पर है। तो तत्वों की कंडीशन तो आपने देख ली, अब तत्व से आगे अगर बढ़ते हैं अपन, तो यहाँ पर आता है कंपाउंड। क्या आता है, कंपाउंड। देखिएगा कंपाउंड का मतलब होता है दोस्तों यौगिक। क्या होता है, यौगिक। नाम से पता चल रहा है कि यौगिक क्या हो सकता है। तो देखिएगा दो या दो से अधिक तत्वों से, दो, देखिएगा यहां पर बात करते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, यहाँ पर बने पदार्थ क्या, अरे दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बने पदार्थ क्या कहलाते हैं आपके, यहाँ पर यौगिक कहलाते हैं। अब आप कहोगे यौगिक किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ जल है, क्या है, जल। अगर जल की बात करता हूं तो इसका अपना आता H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों तत्व है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों तत्व है। आपको पता हो तो हाइड्रोजन की अगर बात करता हूं तो हाइड्रोजन क्या होता है, जलता है, यहाँ पर जलता है, क्या जलता है, मतलब ईंधन है, क्या है, देखिएगा जलता है मतलब ईंधन है। जबकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, जलाने में सहायक, जलाने में सहायक। आप देखना समझना बात को, जलाने में सहायक हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेकिन इन दोनों से जो अपन को यौगिक प्राप्त हो रहा है जिसे जल कहते हैं, वो इसको बुझाने में सहायक हो गया, बात समझना, बुझाने में सहायक। तो यहां दोनों से मिलकर के जो यौगिक प्राप्त हुआ वो बुझाने में सहायक हो गया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के यौगिक का निर्माण होता है, ये बात आप समझ गए। जैसे जल हो गया आपका उदाहरण के तौर पर। इसके बाद आता है तो एक और आता है जिसको अपन बोल सकते हैं मिश्रण, मिक्सर।
अगर बात करता हूं मिश्रण की, तो मिश्रण क्या होता है, यहां पर बात करते हैं तो ये है आपके मिश्रण। मिश्रण में आपके दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, देखो यहां पर बात करता हूं, दो या दो से अधिक, दो से अधिक तत्व, तत्व या यौगिक, या तत्व या यौगिक, देखिएगा यहां पर जो मिलकर के बना, यौगिक से मिलकर बना हो पदार्थ, मिलकर या मिलाकर, मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, पदार्थ क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है यहाँ पर मिश्रण। मिश्रण में आप समझ सकते हो अपने जैसे वायु में जो गैस पाई जाती है, जैसे अपन बात करते हैं यहाँ वायुमंडल में हवा है, एग्जांपल के तौर पर आप क्या समझ सकते हो, हवा। हवा, हवा की अगर बात करते हैं तो वायु में आप अच्छी तरह से पता है कि गैस पाई जाती है, और यहाँ पर पाई जाती है N2 का मतलब नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन 78%। इसके बाद आता आपके पास में O2, तो O2 का मतलब 21%, 21%, और CO2 मतलब 0.03% ये है आपके। तो इस तरह से आपके यहाँ पर ये मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ आपको मिश्रण, तो यूं समझ सकते हो आपकी ये तो आपके क्या था यहाँ पर तत्व, ये क्या था यौगिक, ये क्या है मिश्रण। तो देखिएगा मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ, समान परमाणु से एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ क्या कहलाता है आपका तत्व, ये कितने हैं तो टोटल 118, प्राकृतिक कितने हैं 12, कृत्रिम कितने 26, ये कंडीशन है। इसमें लोह धातु और अलोह धातु दोनों प्रकार के आते हैं, अर्थात सभी गैसें भी तत्व के अंतर्गत ही आती है। यौगिक की बात करते हैं तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के यौगिक का निर्माण होता है, जैसे जल की बात करते हैं तो ये H2O, इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर बात करें मिश्रण की, तो मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर का पदार्थ बना पदार्थ क्या कहलाता, अपना मिश्रण कहलाता, जो कि हवा आ जाती है, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ये जनरल साइंस में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अतः इस तरह से क्वेश्चन आपके यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आते हैं, जिनका जिक्र अपन यहाँ पर कर रहे थे। तो ये तत्व मैंने बताया है, और यहाँ पर बताया मिश्रण, और यहाँ पर बताया आपको यौगिक। तो आपसे कोई भी पूछ ले कि हवा क्या है, यौगिक। आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन क्या है, तत्व। आपसे पूछ ले कि एल्यूमिनियम क्या है, तत्व। आपसे पूछ ले कि लोहा क्या है, तत्व। आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन क्या है, तत्व। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जिनका अपन यहाँ जिक्र कर सकते हैं, वही चीज है। इसके बाद मैं बात करता हूँ अणु परमाणु नाभिक। अणु यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले अणु की बात करते हैं तो मोले कूले, यहाँ पर अणु, अणु की बात करते हैं तो क्या होता है अणु, सबसे पहले अपन जिक्र कर रहे हैं किस पे, अणु। और अणु की बात करते हैं तो ये है अणु सबसे प्रकृति में, देखना प्रकृति में, किसमें प्रकृति में सबसे छोटा छोटा कण, परंतु ध्यान रखना किस अवस्था में होता, अवस्था में कौन सी होता है, ध्यान रखिएगा स्वतंत्र अवस्था में। तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला कण जो है वह आपके यहाँ पर क्या है, देखिएगा वो है अणु। यहाँ पर प्रकृति की बात कर रहा हूं तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला सबसे छोटा कण है, जिसे अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु। यहाँ आप समझ सकते हो छोटी सी की ही बात है, ये अगर वर्ड आता तो सबसे छोटा हो गया। अब अणु के बाद आता है जिस पर अपन को जाना चाहिए, वो है एटम, परमाणु। परमाणु क्या होता है, परम प्लस अणु, परम प्लस अणु। मतलब यूं समझिएगा कि यहाँ सबसे छोटा, अगर बात करता हूँ सबसे छोटा कण जो है, छोटा कण जो है, कण अगर बात है तो कौन है, परमाणु। यहाँ पर अब इसको क्लियर करें कि इसको अगर स्वतंत्र अवस्था दी गई है तो यहाँ पर अणु को करोगे, और स्वतंत्र अवस्था में नहीं, कौन सी अवस्था में, अवस्था की अगर बात करता हूं तो कौन सी अवस्था में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र, स्वतंत्र अवस्था में, देखिएगा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाने वाला कौन सा है, परमाणु। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता तो इसको बोलते हैं परमाणु। अगर बात करते हैं तो परमाणु की त्रिज्या अगर होती है, तो रेडियस अगर होती है तो कितनी होती है, इसका आकार कितना है, एग्जाम में आपसे पूछा गया है।
10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रम, यहाँ देख सकते हो ये, यहाँ पर इसका कंडीशन क्वेश्चन याद रखना, ये है परमाणु की त्रिज्या का आकार। अब परमाणु को यहाँ पर बात कर रहे हैं, परम प्लस अणु, परमाणु तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है। त्रिज्या कितनी, 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम जानते हो। तो यहाँ ये कंडीशन इतना सारा, यहाँ अगर बात बताऊं तो अब आपके परमाणु की खोज किसने की, अगर बात करते हैं डिस्कवर्ड बाई एटम, तो परमाणु की खोज किसने की, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रदरफोर्ड, क्या लिखेंगे रदरफोर्ड। अगर खोज के बारे में आ जाता है तो सीधा क्या लिखोगे रदरफोर्ड। तो परमाणु की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। और आपसे अगर पूछ लिया जाता है यहाँ पर रदरफोर्ड, सॉरी फोर्ड नहीं रदरफोर्ड, अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज की, लेकिन परमाणु जो सिद्धांत है, देखिएगा परमाणु सिद्धांत की बात बताऊं तो परमाणु सिद्धांत से क्या हैगा जिसकी बात करते हैं तो प्रिंसिपल लॉ। यहाँ पर परमाणु सिद्धांत जो दिया है वो दिया है जॉन डॉल्टन ने। किसने दिया है, जॉन डॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने। अगर जॉन डॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया है, क्या दिया, परमाणु सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या है, परमाणु क्या है, अविभाज्य है, मतलब परमाणु को भाजक नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या है, अविभाज्य है। इसकी खोज जहां पर जॉन डॉल्टन ने की, जॉन डॉल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, इनको भाजक नहीं किया जाता, जिसकी खोज यहां पर रदरफोर्ड ने की। यहां पर देखें खोज की बात करता हूं रदरफोर्ड, और इसने कहा है कि परमाणु अविभाज्य, जिनको भाजक नहीं किया जा सकता, मतलब इनको भाजकता नहीं है। और यही जॉन डॉल्टन है जिसका जिक्र अपन यहां पर कर रहे थे, इसको बोलते हैं परमाणु सिद्धांत जो दिया। अब इस सिद्धांत के बाद आया है यहाँ पर, अगर बात करता हूं तो इसका खंडन जो किया, क्या किया खंडन कि जी, परमाणु सिद्धांत का खंडन किसने किया, रदरफोर्ड। और इसके अलावा एक और है जिसका नाम सुना आपने, तो नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक, नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया कि इस सिद्धांत का, परमाणु सिद्धांत का खंडन किया, और खंडन करके बताया कि नहीं परमाणु अविभाज्य नहीं है, अविभाज्य नहीं है, बल्कि ये भाजक है। क्या है, भाजक, अर्थात इसको भाजक कहते हैं क्योंकि इसको भाज्य किया जा सकता है। और कहा कि नहीं परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बात नील्स बोहर ने की, और उसी ने ही पाया कि नहीं यहाँ पर जो है भाजक है, ये बात किसने की, भाजक है। और यहाँ इसी के आधार पर अपन और बात करते हैं तो इसमें आ जाता है कि खंडन भी कर दिया है और प्रकृति का सबसे छोटा कण बता दिया, स्वतंत्र अवस्था का अणु को सबसे छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाना, परमाणु आकार 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रम यहाँ पर, और खोज की रदरफोर्ड ने, अविभाज्य है किसने बताया, जॉन डॉल्टन ने, और खंडन किया किसने, नील्स बोहर और रदरफोर्ड ने मिलकर के इस बात का खंडन कर दिया कि नहीं परमाणु अविभाज्य नहीं है, भाजक क्या है, भाजक है, जिसका जिक्र अपन यहां पर कर सकते हैं। तो इसी क्रम में अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो, अब परमाणु की बात चल रही थी, एक और आती है आपको ध्यान हो तो, परमाणु संख्या, नाम सुना होगा आपने परमाणु संख्या, मतलब एटम नंबर, क्या बोलते हैं इसको, एटम नंबर। परमाणु संख्या की अगर बात करते हैं तो ये है एटम नंबर। यहां पर परमाणु संख्या किसे कहते हैं, एटम नंबर किसे कहते हैं, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो जैसा नाम पैसे, प्रोटोनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है, प्रोटोनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। ये प्रोटोनों की संख्या या परमाणु संख्या, एंड यहाँ पर एटम नंबर बोलते हैं इसको। तो आपसे कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि प्रोटोनों की संख्या को क्या कहते हैं, तो परमाणु संख्या, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर आता है आपका, यहाँ पर देखिएगा ये है आपका प्रोटोनों की संख्या, नाम जैसा प और प। दूसरा एक और आता है यहाँ पर, एक और बात बताऊं तो द्रव्यमान संख्या, क्या था, द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान को अपन यहाँ पर सहती भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, सहती भी जानते हैं, सहती को अपन यहाँ एक और नाम जानते हैं, तो मात्रा, क्या
मात्रा, तो ऐसे वर्ड आ जाता, तो वहां आपको ध्यान रखना मास नंबर आएगा, क्या आएगा मास नंबर, है ना, मास नंबर। अब आपसे पूछा जाए कि मास नंबर क्या होता, तो इसको बोलोगे यहाँ पर ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। अगर बात पूछे कि द्रव्यमान संख्या क्या होती तो क्या बताओगे यहाँ पर, तो मास नंबर यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, में नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का अगर योग करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का अगर योग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, क्या प्राप्त होता मास नंबर। बात आपको समझ आ गई, यही बात बताने जा रहा हूं। तो परमाणु संख्या प्रोटोनों की संख्या को और द्रव्यमान संख्या जो है अपने प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों के योग जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, जिसे मास नंबर के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही है। इसी क्रम में प्रोटोन और न्यूट्रॉन से तो अपना हाँ पर आगे बढ़ी रहे, लेकिन परमाणु के बाद में अगर बात करते हैं तो नाभिक आ जाती है, न्यूक्लियस, क्या था नाभिक, और नाभिक की बात करते हैं तो खोज, खोज की अगर बात करते हैं तो नाभिक की खोज किसने की, देखिएगा यहाँ नाभिक की खोज किसने की अगर बात करते हैं तो रदरफोर्ड, क्या था रदरफोर्ड, लेकिन कुछ किताबों में आपके यहाँ पर जो है रदरफोर्ड नहीं दिया गया है। और अपन देखिएगा यहाँ जो कंडीशन है आपको बता देना चाहता हूँ कि दो कंडीशन है, पहले क्लियर करते हैं नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड। नाभिक क्या है, परमाणुओं का अणुओं का सघन केंद्रीय भाग, नाभिक क्या सघन केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, अरे परमाणुओं का सघन केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है, किसको कहते हैं नाभिक, परमाणुओं के सघन केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। और यहाँ अगर इसके आकार का जिक्र किया जाए तो आकार क्या होता है 10^-15 अर्थात यूं बोल सकते हैं मीटर, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं इसको एक फर्मी, क्या बोल सकते हैं फर्मी, या फिर इसको ये नहीं बोल सकता तो एक क्या बोल सकते हैं फेमटो, क्या बोल सकते हैं फेमटो। तो यहाँ पर ये कंडीशंस आपके साथ में हो जाती है। तो ये तो आकार रहा, ये एग्जाम आया भी हुआ कि नाभिक का आकार होता है तो एक फर्मी ऑप्शन में था, क्या था एक फर्मी ऑप्शन में था जो आपको बताना था। तो खोज की बात की तो रदरफोर्ड परमाणु की सघन केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, जिस तरह से पृथ्वी, देखिएगा पृथ्वी यहाँ पर कोई भी ले लीजिएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या, तो ग्रह उपग्रह एक दूसरे कैसे लगाते हैं ना, जैसे इसी तरह से यहाँ पर भी सेम कंडीशंस होती है। तो सघन केंद्रीय भाग क्या कहलाता है नाभिक, और नाभिक यहाँ पर बात करते हैं तो नाभिक में अगर बात की तो ये नाभिक आपकी यहाँ पर बात करते हैं इसकी, और नाभिक में क्या पाए गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में क्या पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि नाभिक में, सुना बात को, नाभिक में किसमें, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर जनाब इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, देखिएगा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये कंडीशन है, तो यहाँ पर देखिएगा यही कंडीशन आपको बताता हूँ। अब नाभिक की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के चक्कर तो लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए एक महान वैज्ञानिक है जिसका नाम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, नील्स बोहर। नील्स बोहर की बात करता हूं तो इसने एक फॉर्मूला दिया है संख्या ज्ञात करने के लिए, वो दिया है 2n², और n का मतलब होता है कक्षा की संख्या, किसकी संख्या, कक्षा की संख्या, n का मतलब क्या होता है कक्षा की संख्या। अच्छा बात बताओ तो यहाँ n का मतलब होता है कक्षा की संख्या, जिसका जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये आप सकते हो इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नील्स बोहर ने इसकी खोज की, 2n² होता है n कक्षा की संख्या होती है, जिसका जिक्र मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। देखिएगा आगे इसी क्रम में एक और चीज बताऊं तो आप देख सकते हो ये है पी और एन। अब क्या आता आपके सामने इलेक्ट्रॉन, देखिएगा क्या आता आपके सामने यहाँ पर, पी और एन की बात करते हैं तो पी एन तो आपके सामने ये आ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है 2n, n का मतलब एक और यहाँ पर स्क्वायर, अब दो को दो से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2। तो पहली कक्षा में ये बात की कौन बता रहा,
कौन बता रहा? नील्स। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? केवल दो। अच्छा, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखिएगा यहाँ एन की जगह दो स्क्वायर बराबर कितना हुआ? चार, चार का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पर देखो चार को चार से गुणा करेंगे कितना? चार से दो को गुणा करेंगे कितना हुआ? आठ। ये देखो आप, तो यहाँ पर आठ, तो दूसरी कक्षा में कितने होंगे? आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ। अब तीसरी कक्षा में कितने होंगे? ये है क्वेश्चन। तो तीसरी कक्षा में देखेंगे, यहाँ तो पिक्स है दो और यहाँ पर तीन और यहाँ स्क्वायर बराबर कितना होता है? देखिएगा नौ, तीन दूनी नौ, नौ को दो से स्क्वायर करके नौ दूनी कितना, यहाँ पर नौ, अब नौ को अठारह। देखिएगा यहाँ पर तो तीसरी कक्षा में कितने होंगे? यहाँ पर अठारह। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और अठारह। तो इसका मतलब पूरा का पूरा आ रहा है। अब आपको तीसरी कक्षा में पूछ लिया जाए तो तीसरी के बता दिया तो चौथी का कितना आएगा? अब चौथी का भी स्क्वायर है चार सोलह। अब सोलह दूनी कितना हो जाएगा? ये बराबर बत्तीस। तो लास्ट कक्षा में जो होते हैं यहाँ पर अंतिम कक्षा में टोटल कितने होते हैं? बत्तीस। तो ऐसे आपके टोटल कितने आ जाएंगे? यहाँ पर टोटल कितने आएंगे? बोलो बोलो कितने आ रहे हैं? बत्तीस। कितने आएंगे? बत्तीस। तो टोटल अपन यहाँ जो बना रहे हैं वो आपके सामने बत्तीस। तो अंतिम कक्षा में बत्तीस, इसके बाद फिर से घटते हुए क्रम में आ जाएगा। और ये सब बात किसने बताई? नील्स बोहर ने। कौन ने फॉर्मूला दिया है? नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक। तो नाभिक की कक्षा में प्रोटोन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कितने कितने होंगे ये इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, और कौन कौन पाया जाता है इसके अंदर? प्रोटोन और न्यूट्रॉन। ये सारी के सारी कंडीशंस आप देख सकते हो, इसके बाद फिर से घटते हुए क्रम में आ जाते हैं। ये कंडीशंस होती है जिसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक और बात बताता हूँ आपको जो कि आपके लिए बहुत है। अब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो सबसे पहले प्रोटॉन को पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रॉन को पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन को पढ़ते हैं। तो एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं और उस पर ही ध्यान देना है उनको कि कैसे क्या क्या स्टेप कब कब और कहाँ कहाँ कैसे पहुँच जाती है, इन सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रोटॉन की बात करता हूं, तो मैं तो प्रोटॉन का अपन जिक्र करते हैं। तो प्रोटॉन क्या होता है? देखिएगा इसको सबसे पहले लिखते हैं प्रोटॉन को अपन यहाँ पीछे, और यहाँ अगर इन जगह प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को खोज करने की ट्रिक्स है। देखिएगा अगर बात करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की अगर खोज करने की ट्रिक्स है, तो सभी को मैं एक साथ में यहाँ पर एक ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। तो इसकी ट्रिक्स क्या होगी इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले प्रोटॉन की ईट, देखिएगा यहाँ पर पग और यहाँ पर नाच। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि ईंट पग नाच मतलब क्या कंडीशन हो जाएगी, ये आपको देखना होगा कि ईंट पग नाच। इससे बनता है अपना यहाँ इलेक्ट्रॉन, क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन से जो है अपना कंडीशन यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं कि ई से इलेक्ट्रॉन और इट से टॉमसन, क्या बनता है? टॉमसन। अब कुछ किताबों में यहाँ पर थॉमसन दे रखा हो तो परेशान मत होना, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का ही वर्ड का फर्क है और कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पैसे बनता अपना प्रोटॉन, और प्रोटॉन की अगर बात करता हूँ तो यहाँ अपने साथ में आता है ग, और ग से क्या बन जाता अपने पास में? गोल्ड स्टीन। क्या होता? गोल्ड स्टीन। तो यहाँ पर देखिएगा ईंट पग। अब नाच से बनता अपना ना, नाच से बनता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रॉन से अपनी कंडीशन हो जाती च, च से बनता अपने पास में चैडविक, क्या बनता है? चैडविक। तो यहाँ इसके आधार पर अपन इसको क्या याद रख सकते हैं ट्रिक से? देखिए ईंट पग नाच की ट्रिक से क्या याद रख सकते हैं कि अपन यहाँ पर कौन कौन ने किस किस ने कैसे कैसे खोज की है इसके बारे में। अब आपसे पूछ ले कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ईंट पग नाच खोज, और खोज यहाँ पर देखिए प्रोटॉन, ये रहा प्रोटॉन, प्रोटॉन खोज की गोल्ड स्टीन ने। किसने? गोल्ड गोल्ड स्टीन ने। और गोल्ड स्टीन की बात करता हूँ तो ये इसने खोज की है। इसके बाद खोज के बाद एक और कंडीशन आती है, प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्ड स्टीन नामक वैज्ञानिक ने, जिसका जिक्र कर रहे हैं अपन यहाँ ईंट पग नाच के आधार पर। यह है कंडीशन जिसका अपन एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं कि ईंट पग नाच का। अब इसी में देखिएगा यहाँ पर खोज के बाद आता है इसमें आवेश, क्या आता? आवेश। और आवेश की बात करता हूँ तो इस पर होता है 1.6 × 10⁻⁹⁹ कूलम,
यहाँ पर आवेश पाया जाता है, और ये जब यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो इसको बोलते हैं पुनः यहाँ धनात्मक। क्या बोलते हैं? धनात्मक, पॉजिटिव आवेश होता है। इसके बाद आता है यहाँ पर द्रव्यमान। अगर बात करता हूँ मैं द्रव्यमान, यहाँ अगर बात की जाए तो होता है 1 पॉइंट। देखिएगा अगर इसकी बात करें अपन तो द्रव्यमान कितना होता है 1.67 और 26 × 10^-24 ग्राम। देखिएगा यहाँ पर ग्राम, अगर इसको किलोग्राम में बदल तो 1.67 की जगह तो यहाँ 26 की जगह वही 10 की जगह 24 की जगह यहाँ पर आ जाएगा आपके 27, और 27 आते 26 आते किलोग्राम में बदल जाएगा। तो ये इसका क्या है? मास। ये इसका क्या है? चार्ज। यहाँ आपको किसने की? गोल्डस्टीन ने। कौन सा आवेश है? धनात्मक। कितना आवेश है? 1.6 × 10^-19 कूलाम। ये है आपका यहाँ आवेश जिसका जिक्र अपन यहाँ कर रहे थे। अब याद रखना कि ये क्या अपने पास में प्रोटोन, यहाँ ये मूल कण है। क्या है? मूल, नाभिक में पाया जाने वाला मूल कण जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं। तो ये है आपका प्रोटोन। यहाँ पर कंडीशंस क्लियर कर लेना है। अब इसके बाद अपन आगे बात करते हैं तो प्रोटोन के बाद अगली स्टेप में आपके पास में आ जाता है न्यूट्रॉन। क्या आता है? न्यूट्रॉन, जिसका जिक्र अपन यहाँ कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? देखिएगा यहाँ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को किससे लिखते हैं? एन। और एन की अगर बात की जाए तो न्यूट्रॉन की खोज क्या आएगी? खोज। और खोज का अगर जिक्र किया जाए तो किसने की है? देखिएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ये रहा, न्यूट्रॉन की खोज किसने? जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने खोज की है। और जेम्स चैडविक ने खोज की, और उसने देखिएगा यहाँ दोनों में कुछ खास अंतर है और कुछ खास देखिएगा आपस में है। आवेश, आवेश का अगर बात करते हैं तो ये उदासीन है। मतलब उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल की बात करते हैं तो ये होता है आवेश रहित। क्या बोलते हैं? आवेश रहित, अर्थात न्यूट्रल है ये, आवेश रहित है, जिसको अपन देख सकते हैं यहाँ पर। ये उदासीन है, इस पर आवेश होता है, और ये न्यूट्रल होता है, ये आवेश रहित होता है। यहां पर बात करते हैं तो इसमें आवेश नहीं पाया जाता है, लेकिन द्रव्यमान तो होता है। और द्रव्यमान कितना होता है ये आपको देखना होता है। तो द्रव्यमान की बात करते हैं तो मास, और मास कितना होता है? यहां 1.67 × 10^-7। अब यहां पर 49 है इंटू 10^24 माइनस वही है ग्राम में। अंतर क्या आ रहा है? कुछ अंतर आया है यहां पर? देखिएगा कुछ भी अंतर महसूस नहीं आ रहा है क्या? यहाँ पर देखिएगा वही आपके देखिएगा कंडीशंस, यहाँ पर देखिएगा 27 हुआ था तो यहाँ पर भी 27 हो जाएगा जब किलो में होगा, क्योंकि किलो में आपके होता है 10^3 अर्थात 1000, इसीलिए यहाँ पर 27 की जगह 27 हुआ। क्या हुआ? तो ये कंडीशन आप बदल सकते हैं दोनों में, देख रहे हो आप? तो देख रहे हो, तो इसका मतलब आपसे कहा जाए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन अर्थात सभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में सबसे भारी, किसकी बात कर रहा हूँ? सबसे भारी, जो कि भार में है, तो सर्वाधिक भार, तो सर्वाधिक भारी अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो सर्वाधिक भार अगर होगा या भारी होगा तो कौन होगा? प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में सर्वाधिक भारी कौन सा होगा? तो यहाँ ध्यान रख लेना, यहाँ न्यूट्रॉन ही सबसे ज़्यादा बाहुबली होगा। कौन? कौन? न्यूट्रॉन ही सबसे ज्यादा भारी होगा। तो सर्वाधिक भारी की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रॉन होगा। कौन होगा? न्यूट्रॉन होगा। फिर उसके बाद कौन आता है? प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में अगर इस चीज का देखा जाए अंतर तो बराबर देख सकते हो, कुछ खास अंतर नहीं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में भार लगभग क्या होता? लगभग समान होता है, सॉरी द्रव्यमान लगभग क्या होता है दोनों का? द्रव्यमान लगभग, देख यहां पर बात करता हूं तो दोनों का द्रव्यमान लगभग समान होता है, लेकिन सर्वाधिक अगर बात करते हैं द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन का, क्योंकि यहाँ 49 है, यहाँ पर 26 है, बाकी तो 24, यहाँ तो 24, यहाँ 27, यहाँ तो 27, यहाँ ये देख सकते हो। याद रखना ये उदासीन है, न्यूट्रल है, ध्यान रखना ये कौन? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, भूल मत जाना है, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा धोखा होता है जो आपको देखना होता है। इस ट्रिक्स की सहायता से खोज आपको याद हो ही जाएगी। तो सबसे भारी कण न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है? समान होता है ना। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, जबकि प्रोटॉन
प्रोटॉन प्रोटॉन आवेश सहित होता है, उसमें आवेश पाया जाता 1.6 × 10⁻¹⁹ −19 कूलम, वो भी धनात्मक। कौन सा प्रकार का? धनात्मक। अंततः दोस्तों अपन सारे के सारे जिस बिंदु पर जाना चाहते थे, जिनके लिए अपन ने अणु परमाणु तत्व यौगिक नाभिक और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ा है, और लास्ट में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जिस बिंदु पर पहुंचना चाह रहे थे, क्योंकि आवेश में प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर विद्युत धारा कहलाती है, और इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर जिसके कारण विद्युत धारा बह रही हो, जिसके कारण विद्युत धारा का फ्लो हो रहा हो, उसी को तो अपनों को पढ़ना है, और उसी से अपन धारा पर बढ़ सकते हैं आगे की ओर। तो अपन पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। तो हेडिंग डालिएगा अब अपन बात करते हैं अगला इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसको लिखते हैं E-। क्यों? क्योंकि माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इस पर आवेश पाया जाता है ऋणात्मक, और इसकी खोज की है। खोज तो आप आगे देख के बता सकते हो, मैंने लिख रखा है। देखिएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टॉमसन ने। किसने की? जे थॉमसन। किसने? जे थॉमसन। यहाँ पर बात करते हैं थॉमसन या थॉमसन ने की है। ये कंडीशन है आवेश की। अगर बात करते हैं तो इसमें आवेश पाया तो जाता है, लेकिन वो होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। अगर यहाँ ऋणात्मक लगाया जाता 1.6 × 10⁻¹⁹ ये सेम लगेगा, और यहाँ नहीं लगाया तो फिर यहाँ आगे लगाना पड़ता है। तो ऋणात्मक यहाँ पर आवेश होता है कितना? 1.6 × 10⁻¹⁹ ये धोखा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में सिर्फ इतनी से का अंतर है, ये ऋणात्मक चिन्ह का ही अंतर है, बाकी तो सेम कंडीशन है। इसके बाद अगर द्रव्यमान की बात करता हूं दोस्तों, तो इसका द्रव्यमान किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर बात करते हैं तो सबसे कम होता है, वो कितना होता है? 9.105। देखिए 9.105 × 10⁸¹ ग्राम, देख सकते हो यहाँ ऐसा कैसे सेम कंडीशन। 9.105 × 10⁸¹ की अगर बात करता हूं तो यहाँ किलो, वही समस्या आपके, किलो में कितना होता है? 1000, और 1000 में 3 जीरो, इसका मतलब 28 में 3 कराएंगे तो कितना? 31 किलोग्राम। यहाँ ये कंडीशंस हो जाती। तो द्रव्यमान क्लियर हुआ, आवेश क्लियर हुआ, खोज क्लियर हुई, अब आपके नॉट क्लियर नहीं हुआ अभी। देखिएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, किससे? प्रोटॉन से 1845 गुना कम भारी होता है। देखिएगा यहाँ पर होता है, अगर मैं यहाँ पर कम की जगह अधिक वर्ड लगा देता हूँ तो ध्यान रखना ये गलत हो जाएगा, पर उसके लिए अगर मैं इसको इधर लिख देता हूँ, प्रोटॉन को आगे न्यूट्रॉन को पीछे, तो फिर ये सही हो जाता है। अतः यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन से 1845। बाहुबली कौन है? 1845 गुना बाहुबली कौन है? प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? हल्का है। क्या है? हल्का है। अतः सबसे हल्का कण कौन सा है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही बताओगे आप। क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन ही बताओगे। अब आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन क्या? अरे नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कण, चक्कर लगाने वाले जो कण हैं उन्हें क्या कहते हैं? अपन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और नाभिक की जो अंतिम कक्षा होती है, उस अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों? संयोजी का मतलब होता है वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कारण है क्योंकि सभी प्रकार की क्रियाओं में भाग कौन लेता है? यहाँ सभी प्रकार की क्रियाओं में भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसीलिए तो किसी में तीन होते हैं, जैसे चालक में, कुचालक में, अर्चालक में। जैसे अर्चालक में चार होते हैं तो चतुर्संयोजी कहलाता है, जिसमें पांच होते हैं तो पंचसंयोजी। यहाँ पर अलग अलग है। हाँ, तो यहाँ जितने लास्ट कक्षा में हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन है, और उतने ही संयोजी वो कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन अपन पहुंच चुके हैं, इलेक्ट्रॉन तक अपन पहुंच चुके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसी क्रम में ये बात समझ में आएगी, और इलेक्ट्रॉन से अपन सीधा सीधा कल के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन क्या यहां पर विद्युत
धारा, विद्युत धारा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके टेक्निकल हेल्पर, आपके मेट्रो, आपके देखिएगा DMRC, आपके NMRC, आपके जयपुर मेट्रो, नोएडा मेट्रो, जितने भी मेट्रो है उनमें, इसके अलावा अपने देखिएगा अभी बिहार में, MP में, इस पर ITI इंस्ट्रक्टर की या फिर टेक्निकल हेल्पर की या विद्युत विभाग में किसी भी पोस्ट के लिए जिसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आती हो, उन सब के लिए बेहद उपयोगी होगा और मैं वन बाय वन रोजाना वीडियो आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ। अतः आपका कोर्स समय पर DRDO के लिए भी पूरा हो जाएगा, है ना। तो आप पढ़ते रहेगा, अपडेट रहेगा एक के बाद एक, अतः बने रहना है और आपको कभी भी घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिएगा मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, परंतु डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। समझ में आया होगा आपको। तो ये वीडियो प्लीज जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, करोगे ना, जरूर ना, जरूर ना, जरूर। तो उम्मीद करता हूं आप इसे जितना हो सके शेयर कीजिएगा और अपन मिलेंगे इसके बाद अगले वीडियो में, एक करके एक करके एक। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।